तो आज के ये वीडियो में हम लोग करेंगे गोप्रो का, गोप्रो हीरो 9 मैंने नहीं खरीद, तो स्पेशली ये गोप्रो हीरो 9। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो माय नेम इज ओगेन समथिंग, यू आर वाचिंग द ओगेन व्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज का ये वीडियो में हम लोग करेंगे गोप्रो का अनबॉक्सिंग। सो फाइनली गोप्रो आ चुका है अपने हाथ पे, देख सकते हो गोप्रो हीरो 9। तो गाइस ये गोप्रो हीरो 9 मैंने नहीं खरीदा, ये गोप्रो मुझे दिया गया है मेरा एक भैया ने, जिसका नाम है डेविड भैया, और ये साइड पे मैंने फोटो लगाया है भैया का, तो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा भैया को, और ये गोप्रो मुझे दिया है भैया ने। तो गाइस फाइनली ये गोप्रो को आज हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग। एक्चुअली गोप्रो लेने का प्लानिंग तो बहुत पहले से था, बट हम लोग को बस इतना पैसा इतना एफोर्ड नहीं कर पाते कि हम लोग इतना महंगा चीज़ खरीद सको। तो भैया ने मुझे गिफ्ट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच भैया। तो आपका ये एहसान मैं लाइफ टाइम नहीं भूलूंगा भैया। तो कभी दिन किसी मोड़ पे मैं आपको भी काम आ जाऊँ, ये मेरा एक कोशिश रहेगा। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे आगे बढ़ने का एक सहारा दिया है। तो आज काफ़ी ज़्यादा खुशी हूँ गाइस में, और भैया ने मुझे गोप्रो दिया है, और आप लोग ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करके आज हम लोग का लगभग हम लोग का सब्सक्राइबर होने वाला है 500। तो हम लोग 1000 के बहुत ज़्यादा करीब है गाइस। जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और थोड़ा सा चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और आगे बढ़ पाऊँ, तो अपने फैमिली के लिए और कुछ कर सकूँ मैं। तो सो लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले ये मेन्यू है इसका, तो देखते हैं इसका मेन्यू पे क्या क्या है। तो बाकी तो मैंने एक्चुअली गोप्रो को मैं बहुत पहले से फॉलो करता था, तो मुझे सब कुछ पता है इसका, जो कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि मैं यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखता था इसका। तो इसको करेंगे थोड़ा साइड पे, तो उसके बाद फिर सबसे पहले तो ये है चार्जर केबल, तो USB, तो इसको हम लोग चार्ज करेंगे गोप्रो को। और ये है माउंट हेलमेट पे चिपकाने वाला, तो यहाँ पे आप गोप्रो सेट करके, तो आप यहाँ से गोप्रो सेट करके यहाँ पे डाल सकते। तो डालने के बाद ये हेलमेट पे कुछ इस तरह लगता है। तो मुझे ये सब तो पहले से मैंने देखा हुआ है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए अलग से एक मैंने सेटअप सब कुछ मंगवा लिया है। तो इसको मैं रख देता हूँ दूर, क्योंकि अभी ये इसको यहाँ पे रख देते, काफ़ी ज़्यादा हवा आ रहा है यहाँ पे। ये है गोप्रो का बैटरी, क्योंकि ओरिजिनल वाला बैटरी, गोप्रो का शायद बैटरी ओरिजिनल वाला भी इतना ज़्यादा लास्टिंग नहीं होता है, लगभग इसका 2 घंटा या 3 घंटा तक, अगर इसको फुल चार्ज करोगे तो आप 2 घंटा या 3 घंटे तक लगातार चल सकते हैं। तो बाकी तो मैंने उस दिन थोड़ा सा देखा हुआ था। फाइनली गाइस निकलते हैं अपना गोप्रो हीरो 9 को। वाओ, हाँ भाई साहब, बहुत दिनों की बात। और ये बॉक्स को मैं अलग से रख देने वाला हूँ, तो फिलहाल यहाँ पे रख देते बॉक्स को। तो मैंने चेक तो किया हुआ था, लेकिन भी आप लोग के सामने में एक बार चेक करेगा बोल के, तो इसलिए मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार करके बैठा हुआ था। सो बैटरी पहले लगा लेते हैं, इसको ओपन करते हैं कुछ इस तरह, और बैटरी को डालते हैं गाइस कुछ इस तरह। हाँ, तो बैटरी चला गया अपना अंदर, और मेमोरी कार्ड ये रहा गाइस। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पे शूट करने वाला है गोप्रो से, पहले मैं मेमोरी कार्ड को डाल लेता हूँ। बस हो गया गाइस फाइनली, ये हो चुका है। अभी हम लोग गोप्रो को ऑन करने वाला है, और इसका ये है पावर बटन, और गोप्रो हीरो 9 ब्लैक गाइस इसका मूड है, और ये जो क्लिक करने वाला है जब आप शूट करोगे तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और ये जो है स्टैंड पे लगाने वाला, कुछ इस तरह लगा सकते हैं हम लोग। तो अभी इसका हम लोग ऑन करने वाला है, तो अभी ये ऑन हो चुका है अभी फाइनली, गोप्रो हीरो 9 ऑन हो चुका है गाइस, देख सकते हो। वाओ, और बैटरी बहुत कम है, तो 30% है, और बाकी तो मैंने मेमोरी कार्ड डाला हुआ है, और मेमोरी कार्ड का परसेंट है 24%, तो बाकी तो हो जाएगा। और यहाँ पे ये सब मैंने लास्ट टाइम थोड़ा चेक किया हुआ था, तो मैं फ़िलहाल इसको नहीं खोलने वाला हूँ, क्योंकि स्क्रैच होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। मैं इसको खोल लेता हूँ, क्योंकि ये कैमरा फोकस है, तो इसको खोलना बनता है, तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। वाओ, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है गाइस गोप्रो हीरो 9। इसका जो लेंस है काफ़ी कमाल का है, और ये वाटरप्रूफ है या नहीं वो तो मुझे इतना भरोसा तो नहीं है, लेकिन वाटरप्रूफ तो लिखा हुआ है,
तो मैं इसको पानी में बिल्कुल भी नहीं डुबाने वाला हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यार से और बहुत किस्मत से मिला है, तो मैं इसको थोड़ा से भी केयरलेस नहीं कर सकते। तो मैं इसको लेके ही बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग शूट करने वाला हूँ और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी हम लोग GoPro के अंदर चलते हैं गाइस, क्योंकि GoPro के अंदर में देखते हैं इसका क्वालिटी एंड इसका जो शेक नहीं होने वाला जो खास है। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं सीधा GoPro के अंदर में, लेट्स गो। तो अभी आ चुके हम लोग GoPro के अंदर। वैसे तो ये 4K 5K भी सपोर्ट करते हैं, तो फिलहाल हम लोग 2K से यूज़ करेंगे, क्योंकि 4K 5K में जाओगे तो आप वीडियो अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम लोग 2K में शूट करेंगे। सो अभी फ़िलहाल बारिश भी गिर रहा है, तो गाइस लेट्स एंजॉय द GoPro सिनेमेटिक शॉट्स। तो गाइस थैंक यू सो मच आप लोग सभी को ये वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू सो मच योर लव एंड सपोर्ट, और वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर कर दीजिए। प्लीज़ ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और ज़्यादा वीडियो बनाने में हम लोग को हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और हम लोग और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से और ज़्यादा अच्छा वीडियो हम लोग बना पाते हैं। सो थैंक यू सो मच, और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वैसे तो मैं फ़ोन से एडिट करता हूँ, क्योंकि अपने पास PC और लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो इसलिए फ़ोन से एडिट करता हूँ। तो फ़ोन से भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और तो बीच में काफ़ी ज़्यादा फ़ोन भी हैंग होता है, क्योंकि अगर आप 1-2 घंटा का शूट करोगे तो उसमें से आपको 10 मिनट में लेके आना है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। तो अगर आप GoPro का बैटरी फुल चार्ज करोगे तो लगभग आपका 2-3 घंटा ही चलता है, तो इसलिए हम लोग ने एक्स्ट्रा बैटरी मंगवाया है। तो देखते हैं कब तक आता है एक्स्ट्रा बैटरी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो अगले ब्लॉग में हम लोग कभी कभी बीच बीच में मोटो ब्लॉगिंग भी शूट करेंगे, और बीच बीच में हम लोग नॉर्मल ब्लॉग भी बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच योर लव एंड सपोर्ट। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो बी सेफ, टेक केयर, ख्याल रखो अपना और अपनों का। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, एंड बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस। I'm not afraid to die.